महिलाओं का समर्थन समाज की उन्नति का मूल आधार है। उनकी शक्ति, संकल्प और साहस हमारे समाज की पहचान है। आज हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब के जिला मोहाली के केंद्र में स्थित कुछ छोटे से गांव में, जहां से कुछ प्रेरणादायक कहानियां सामने आती हैं। प्रोजेक्ट प्रेरणा महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वराज डिवीजन की एक पहल है। प्रोजेक्ट प्रेरणा महिलाओं को सशक्त बनाने, जीवन को बदलने, सशक्तिकरण और एक नए अवसर प्रदान करने की एक आकर्षक कहानी है। ये परियोजना प्रेरणा शब्द का प्रतीक है, जो आशा और प्रेरणा की प्रतिध्वनि है। लेकिन यह सिर्फ एक परियोजना नहीं है, यह इस गांव की सभी महिलाओं के लिए एक जीवन रक्षक और आशा का स्रोत है। इस गांव के केंद्र में जहां जीवन अपनी अजीब लय के साथ चल रहा था, अब उसमें परिवर्तन हो रहा है। प्रोजेक्ट प्रेरणा एक डॉक्यूमेंट्री एम्पावरिंग वेमेन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, एमवीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के डिवीजन स्वराज के बीच सहयोग की कहानी है, जो इस गांव में रहने वाली हजारों महिलाओं के सपनों को साकार कर रही है। महिंद्रा के इस प्रोजेक्ट प्रेरणा के साथ यहां की महिलाओं को असीमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें वे मौके मिल रहे हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे और जो उन्हें अपने सपनों की ओर ले जा रहे हैं। साथ मिलकर वे ताकत के बीज बो रहे हैं, आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं और एक उज्जवल समान कल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रेरणा के मूल में कला का विकास है, जिसमें महिलाएं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। महिंद्रा के प्रोजेक्ट प्रेरणा के इस प्रयास से महिलाओं को जूट बैग बनाने की कला से लेकर अचार और मुरब्बा बनाने तक का प्रशिक्षण दिया गया है। इन कलाओं को सीखने मात्र से महिलाओं को ना ही सिर्फ अपना व्यवसाय शुरू करने में भी मदद मिली है, बल्कि उन्हें किस तरह बाजार में बेचना है और मुनाफा कमाना है उसकी भी जानकारी मिली है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं पिंड चंदपुर की वासी हाँ। साढ़े पिंड महिंद्रा स्वराज की टीम वालों प्रेरणा प्रोजेक्ट के तहत सानू बहुत सारिया ट्रेनिंग दी गई, जिदा कि जूट बैग ट्रैक्टर ट्रेनिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, मशरूम आदि। पर मेरा इंट्रस्ट जूट बैग ट्रेनिंग विच सी, तां मैं जूट बैग ट्रेनिंग लैण तो बाद अपने ग्रुप के मैंबरां नाल मिल के जूट बैग तैयार किए और महिंद्रा स्वराज की टीम के तहत सेल किए। महिंद्रा स्वराज की टीम वालों सानू बहुत सारा सहयोग मिलिया, जिदा कि सानू सिलाई मशीना सानू प्रोवाइड की गई, जिन्हां मशीना दे यूज करके ही असी अपना काम कर रहे हाँ। इस ट्रेनिंग के तहत सानू होर भी बहुत कुछ सीखण नू मिलिया। असी जिदा पहला अपने घर दे विच घरेलू काम करते सी ते पिछे पिछे रहिंदे सी, सानू अगे वधन दा मौका मिलिया अते साडा कॉन्फिडेंस भी वधिया। असी जूट बैग ट्रेनिंग के तहत 5 to 6 हज़ार रुपये महीना आमदन कर लैंदे हाँ ते घर दे खर्चिआं दे विच सहयोग दे दिंदे हाँ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सुमन देवी है, मैं पिंड चंदपुर की वासी हाँ, मैं गुरु नानक ग्रुप की मैंबर हाँ। मैं स्वराज प्रेरणा ग्रुप प्रोजेक्ट के धन्यवाद करते हाँ, जिन्हां नाल साडा ग्रुप खोलिया बनाया गया ते उस नाल उसकी हैल्प नाल असी अज मशीना दित्तियां गईआं ते स्टिचिंग का काम शुरू किया। बाकी बैगों का भी ऑर्डर आता है जो असी बैग भी तैयार करते हाँ, जिस नाल साडी इनकम 6-7 हज़ार के करीब हो जाती है ते असी घर वाले की हैल्प कर देंगे जी उन्होंने पैसों नाल। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरविंदर कौर है, मैं चंदपुर तो बिलोंग करती हाँ। महिंद्रा के प्रेरणा प्रोजेक्ट नाल जुड़ के सानू काफ़ी सारे ट्रेनिंग दी गई, जिन्हों विचों 4 मुरब्बे की ट्रेनिंग भी दी गई। 4 मुरब्बे असी पा के घर बाजारों में सप्लाई कर लग गए, उन्होंने सानू आमदन हो गई। पहला असी अपना घर का 4 मुरब्बा भी बाजारों लिया, पर हुण सानू ट्रेनिंग तो बाद असी अपना आप पाण लग गए। लेकिन प्रोजेक्ट प्रेरणा यहीं पर नहीं रुकती, ये व्यवसायिक गतिविधियों में कदम रखने वाली महिलाओं को भी सहायता प्रदान करती है। जो महिलाएं अपने खुद का व्यवसाय स्थापित करने का सपना देखती हैं, आज महिंद्रा के इस प्रयास से जुड़ने के बाद
उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई है। नमस्ते जी, मेरा नाम बिस्मिल्ला है। मैं महादेव ग्रुप की मैंबर हाँ। तो मैं स्वराज मिंद्रा का बहुत धन्यवाद करती हाँ, जिन्होंने मैनू एक महीने की ट्रेनिंग दे के मैनू इत्थे इस मशीनों के योग बनाया है। तो मैं अपने घर का खर्चा खुद करती हाँ, तो दो लेडीज तीन लेडीज रख के मैं उन्होंने भी मतलब गुजारा चला रही हाँ। इन्होंने मैनू बहुत सहयोग किया, जिन्हों की बदौलत अज मेरा इस दुकान में मेरा समान पिया है। मैं इन्होंने खर्चे से ही अपने घर का खर्चा भी चला रही हूँ। सानू इन्हों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए है, जिन्होंने सानू इन्ना सहयोग किया, तो सानू पेमेंट अदा की। असी उन्होंने सहयोग न ही अज असी अपने मुकाम पर बैठे हाँ, तो अपने बच्चों का खर्चा तो अपने घर का खर्चा भी चला रही हाँ। मैं एक हाउसवाइफ हाँ, इन्हों के सहयोग न अज मैं अपनी शॉप करके बैठी हाँ। नमस्ते, मेरा नाम गीता शर्मा है। मैं पिंड विलेज फतेहपुर सियालबा मंजरी की रहने वाली हूँ। और पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, तो जब 2021 में प्रेरणा प्रोजेक्ट स्वराज कंपनी की तरफ से हमारे विलेज में आया, तो उन्होंने सब लेडीज़ को इतना मोटिवेट किया, एक सेल्फ ग्रुप क्रिएट किए, और लेडीज़ जो घर से बाहर निकली उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ब्यूटीशियन कोर्स दिए, सिलाई सेंटर, लेडीज़ जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्होंने ब्यूटीशियन कोर्स किए और सिलाई सेंटर में सिलाई सीखी। उसके अलावा चार पापड़ की काफ़ी तरह की ट्रेनिंग दी गई। उसी में मैंने भी ब्यूटीशियन की ट्रेनिंग लेने की सोची और मैंने ब्यूटीशियन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए, तो मैंने इनसे हेल्प ली। इन्होंने मुझे हेल्प भी दी और साथ में मोटिवेट भी किया। मोटिवेट होने के बाद मैंने अपना एक ब्यूटी पार्लर, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया। उससे मैंने मंथली इतनी अच्छी अर्निंग की कि मुझे घर से भी सपोर्ट मिली। मेरे हस्बैंड के जो खर्चे थे, और खर्चे के साथ पहले हमारे सिर्फ खर्चों में ही हमारी इनकम चली जाती थी, अब हम सेविंग भी कर रहे हैं। सेविंग के साथ साथ अब मैं अपने बच्चे के खर्चे भी निकाल पाती हूँ, अपने भी पर्सनल जो खर्चे हैं वो भी निकाल पाती हैं। अब क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, और जब स्वराज कंपनी वालों ने मुझे मोटिवेट किया और बोला कि अब आप इससे भी आगे जा सकते हो, तो मैंने एक अपना बड़ा सैलून किया। पहले मेरा एक छोटा एक ब्यूटी पार्लर था, जिसे लेडीज़ बोलते थे पार्लर है, अब मेरा ब्यूटी सैलून है। मैंने हेयर का यहाँ पे स्टार्ट किया है अपने विलेज एरिया में। मैं एक मेकअप और हेयर आर्टिस्ट हूँ, और मैंने यहाँ पे बहुत नाम कमाया है स्वराज महिंद्रा के प्रेरणा प्रोजेक्ट से जुड़ के। पहले मेरी जो छोटे सैलून में, जो पहले जो मैंने सैलून किया था, उसमें अर्निंग सिर्फ 5 से 6 हज़ार हो पाती थी। प्रेरणा प्रोजेक्ट से मिलकर अब मैं 20 हज़ार से भी ऊपर कमा लेती हूँ, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं सियालबा से हूँ। हमारे ग्रुप का नाम श्री राम है। हमारे विलेज में महिंद्रा वालों की टीम आई, उन्होंने हमारा अकाउंट लिंक करा, फिर मैंने शॉप खोली। पहले मैंने वूलन की करी, फिर मैंने कपड़ों की करी, स्टिचिंग की करी। मेरे को आगे से आगे उनकी बहुत हेल्प मिली है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मैं महिंद्रा का प्रेरणा प्रोजेक्ट नाल जुड़ के 12 से 15 हज़ार कमा लेती हूँ मंथली, जिससे मेरे घर का गुजारा, मेरे बच्चों का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। मेरे को इनकी तरफ से बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रोजेक्ट प्रेरणा के अंतर्गत महिलाओं को रसोई बगीचा विकसित करने की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें वर्मी कंपोस्ट और खेती करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। उन्हें ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण और लाइसेंस भी दिया जाता है, जिससे महिलाओं के सपने रूपी पंखों को एक लंबी उड़ान भरने का मौका मिले। मेरा नाम चरणजीत है जी। साड़ा ग्रुप कमल महक है जी। मैनू स्वराज वालिया ने बहुत मदद दी है जी। मैनू बहुत ज्यादा सहारा होया इन्हां दा। मैं हल्दी सारा मतलब कि स्वराज वालों ही मिले मैनू, तो मैं इन्होंने पूरा अपने घर की गृहस्थी का सारा अपना समान चलाया हुआ है जी।
ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2000 ਦੀ 3000 ਦੀ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਦੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੇਚਤੀ ਜੀ। ਬਤਾਊਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਪਾਲਕ, ਧਨੀਆ, ਮੇਥੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਤੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ 1000-2000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਧਰੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਮਹਿ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਬਾਜੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਦਿਉ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਪੀ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਬੈਗ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5000 ਇਨਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਬਦਲਾਵ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਔਰ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਸਕਸ਼ਮ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੇ ਸਵਰਾਜ ਔਰ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਸੀਮਿਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕੇ ਸਾਥ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕੀ ਰਾਹ ਕੋ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ, ਉਤਥਾਨ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਪਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਔਰ ਸੱਚ ਹੋ। ਆਈਏ ਹਮ ਏਕ ਜੁਟਤਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿ ਏਕ ਸਾਥ ਹਮ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਓਂ ਸੇ ਕਲਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਸਪਨੋ ਕੋ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਤੇ ਹੈ।